बैक दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करेंगे फोर्ड F-150 2021। फोर्ड F-150 एक बहुत ही ज़बरदस्त केपेबल पिकअप है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ रोडर है और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ आती है और वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी पिकअप सेगमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त इसका नाम है और इसमें मिल जाती है बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो इस रिव्यू में हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स और इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बात करते हैं इसके की कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो इसके की कॉम्पिटिटर्स है शेवरोले सिल्वराडो, GMC सियारा और रैम TRX। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि आप हमारा कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फोर्ड F-150 का दी 14 जनरेशन है, तो फोर्ड की बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ये फोर्ड 1948 में लॉन्च हुई थी और 73 ईयर्स ओल्ड गाड़ी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त अमेरिका में बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक है और उसका डिमांड अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और इस मार्केट में भी यहाँ पर इसके बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं। ऑफ रोडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस गाड़ी में। बात करते हैं फोर्ड F-150 के डिज़ाइन के बारे में, तो फोर्ड F-150 काफ़ी रिजेंबल करती है प्रीवियस जनरेशन से, पर ये ऑल न्यू ग्रिल आती है इसमें आपको, जो कि क्रोम फिनिश में बहुत ही प्रीमियम लगती है और यहाँ पर बड़े से हेडलैम्प्स मिलते हैं गाड़ी में, LED के साथ आते हैं और यहाँ पे साइड कॉर्नरिंग फंक्शंस भी अवेलेबल है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फोग लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे एक बड़ा सा क्रोम डिफ्यूज़र मिल जाता है और यहाँ पर आपको उसके साथ टोइंग हुक्स भी आते हैं गाड़ी में और ये फोर्ड का लोगो है यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वेल स्कल्प्टेड बोनेट मिल जाता है और अंडर द हुड इसके 3.5 लीटर का V6 इंजन मिल जाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी लंबी है और यहाँ पे जब भी आप गाड़ी के क्लोज आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपके स्लाइडर, ये जो रनिंग बोर्ड है, बाहर आ जाता है, जो कि SUV काफ़ी हाइटेड SUV है, तो SUV में चढ़ना थोड़ा, क्लाइंबिंग करना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो यह अच्छा कन्वीनियंट फीचर है और ये जो रनिंग बोर्ड है इसमें आप इधर आपको इधर का एक्सेस भी मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 20 इंच के क्रोम फिनिश अलॉय व्हील्स, बहुत ही प्रीमियम और अप मार्केट लगते हैं और यहाँ पे कुछ अच्छे स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि कीलेस एंट्री मिल जाती है गाड़ी में और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आप सेट कर सकते हो, जब भी आप अपना चाबी वगैरह नहीं है तो आप गाड़ी को फिर भी आप ओपन कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू। और यहाँ पर क्रोम फिनिश, काफ़ी क्रोम फिनिश का ध्यान रखा गया है यहाँ पे, आप पूरे क्रोम लाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स और ये आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं। और बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी है और पिकअप ट्रक तो के 5.8 मीटर्स की लेंथ है और विड्थ इसकी 2.1 मीटर्स की और 1.9 मीटर्स की इसकी हाइट है और 3.6 मीटर्स का इसका व्हीलबेस है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस लेकर आता है और कैबिन काफ़ी बड़ा है इसका। तो बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में, रेयर प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत ही स्लीक है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा, लेकिन ये क्रोम फिनिश में प्लैटिनम बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और आप देख सकते हैं और इसके बॉक्सी टेल लैंप मुझे बहुत ही पसंद आए, गाड़ी को एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर देता है, बहुत ही अपीलिंग लुक देता है गाड़ी को। और यहाँ पर भी ये बम्पर भी काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर लाइट्स वगैरह यहाँ पर भी दिए हैं और यहाँ पर भी हुक्स वगैरह है, यहाँ पर भी ये सॉकेट्स दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर टोइंग कैपेसिटी इसकी 5.8 टन्स तक आप टो कर सकते हो किसी भी ट्रॉली वगैरह, ट्रेल इसमें प्रो ट्रेलर टेक्नोलॉजी भी है गाड़ी में, तो कि टोइंग के लिए बहुत ही अच्छा है और गाड़ी बहुत ही कैपेबल और पावरफुल भी है गाड़ी। तो बात करेंगे फोर्ड F-150 के इंटीरियर्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं दो बड़े 12 इंच के डिस्प्ले मिल जाते हैं, एक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम और ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और फोन मिररिंग, सैटेलाइट नेविगेशन, तो बहुत ही, और ड्राइवर असिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर इसके जोन लाइटिंग भी आप यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक सेंट्रल स्क्रीन की तरह दिया है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि UAE की ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस गाड़ी में, AC वेंट्स देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं और ये फुल साइज एक पिकअप है, तो इसमें आपको स्पेसेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर एक ये आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपको एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस है, इसमें काफ़ी बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, कभी होल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा गियर लीवर है, जो कि मैकेनिज्म के साथ आता है, जो कि काफ़ी यूनिक सा फील देता है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, टाइप ए टाइप सी केबल
की फैसिलिटी है, चार्जिंग फैसिलिटी है, और ये 12 वाट्स का सॉकेट है और 230 वाट्स का भी यहाँ पर है। आप लैपटॉप वगैरह अप्लाइंसेस वगैरह भी लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ग्लव कंफर्ट साइड ऑफ थिंग्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ फुल साइज मिल जाता है। और वन ओवर यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल जो यूज़ हुआ है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर ऑफ लेदर, एलकेंटारा और क्रोम फिनिश के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पे इसमें टोटल 12 स्पीकर बैंग एंड ओल्सन के मिलते हैं, और तो साउंड बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़े फंक्शंस है, यहाँ पर कैमरा 360 डिग्री कैमरा मॉनिटरिंग मिल जाती है आपको, और ये पार्किंग असिस्टेंस मिल जाता है आपको, और ये आपकी हजार्ड लाइट, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑन ऑफ का स्विच है, और यहाँ पे हिल डिक्लाइन असिस्ट भी मिल जाती है गाड़ी में। और बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे ये प्रो ट्रेलर का एक फंक्शन मिल जाता है। अगर आप टोइंग वगैरह कर रहे हैं तो अप टू 5.8 टन तक का आप इसमें टोइंग एबिलिटी है इस गाड़ी में, और यहाँ पर इसकी टोइंग फंक्शन प्लस माइनस है। और यहाँ पर बहुत सारे टोटल 9 ड्राइविंग मोड है, इको, स्पोर्ट्स, स्नो मोड और मड मोड और सैंड मोड भी है, बहुत सारे क्लाइंबिंग मोड, माउंटेन मोड वगैरह भी है इसमें। तो मोड बहुत ही अच्छी, बहुत कैपेबल गाड़ी है फोर्ड F-150 में आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, पार्किंग असिस्टेंस भी मिल जाता है आपको एकदम, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन, बहुत ही टॉप नॉच लगा मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग लाइटिंग्स भी है यहाँ पर, जो कि ज़बरदस्त लुक देते हैं रात में स्पेशली। सेफ्टी साइड ऑफ थिंग्स में आपको मिल जाते हैं इसमें 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, और बहुत सारा यहाँ पर आपको आप सीट पूरी तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो इसमें, आप अपनी सीट पूरी नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं, और इसमें आपको मिल जाता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपको, लेन की सीट, लेन डिपार्चर वार्निंग्स और पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है आपको, और सीट्स बहुत ही हीटिंग एंड कूलिंग सीट्स है इसमें, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंटीरियर है ऑल एंड ऑल। बात करेंगे स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग काफ़ी हैवी और बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है अगर आप हाईवेज पे ओवरटेक करना चाह रहे हो या फिर सिटी ट्रैफिक में मनूवर करना चाह रहे हो, तो भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है स्टीयरिंग का आपको। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस के साथ आती है, मल्टी फंक्शंस स्टीयरिंग है यहाँ पे, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन की बसी, लेन डिपार्चर वार्निंग्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स, वॉइस कमांड्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल, वॉल्यूम वगैरह, ट्रैक चेंज करने के लिए मेन्यू मिल जाता है, और ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर ये जोन लाइटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, ये टेलगेट ओपनर है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपनर है यहाँ पर, ये आपको अपने लाइट्स कंट्रोल वगैरह, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ब्राइटनेस कंट्रोल, ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन कंट्रोल का सिस्टम का, और यहाँ पर आप अपने पेडल्स की अप एंड डाउन कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है यहाँ पर। सीट्स बहुत ही मल्टी फंक्शन सीट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, आपको अपनी सीट्स को एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, साइड एडजस्टमेंट वगैरह, मसाज, और ये बैक सपोर्ट के लिए, लोम्बार सपोर्ट के लिए, और ये सीट को आप पूरी तरह से नीचे कर सकते हो अपने, अगर आप कहीं सोना चाह रहे हो तो आप सो भी सकते हो इसमें, बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। चलिए मैं अभी सेकेंड रो सीट्स में हूँ, तो आप देख सकते हैं सेकेंड रो में बहुत सारा लेग रूम काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस सेकेंड रोज में भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे दो कबी होल्स मिल जाते हैं, और सीट हीटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम कैबिन है यहाँ पर। और यहाँ पे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक सॉकेट मिल जाता है, आप लैपटॉप, फ्रिज, कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो आराम से। और यहाँ पर सीट फिटिंग के लिए यहाँ पे बटन से, यहाँ पर कभी होल्स भी, यहाँ पर टोटल चार कभी होल्स मिल जाते हैं आपको। चलिए बात करते हैं फोर्ड F-150 के बेड के बारे में, तो बेड काफ़ी ज़बरदस्त कूल फीचर्स के साथ आता है, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाती है, तो एक्सेस बहुत ही आसान है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ अच्छे कूल फीचर है वर्क साइट के लिए, आपके वुड कटिंग वगैरह के लिए आपको दो क्लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्लैंप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे बॉटल ओपनर्स भी है गाड़ी में यहाँ पर बोथ द साइड्स, और यहाँ पर आपको पेंसिल होल्डर, स्क्रू होल्डर वगैरह सब मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक पावर जनरेटर मिल जाता है जो कि अप टू 2000 वाट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आप इसमें आप एक अपना रेफ्रिजरेटर, अपना टेलीविजन और प्ले गेमिंग कंसोल वगैरह सब एक साथ लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सेस के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक कूल फीचर दिया है यहाँ पर,
ये आप ओपन ओपन कर 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 क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट अच्छा मिल जाता है ज़बरदस्त। और इसमें आपको अप टू 2 टन का लोड कैरी आराम से कर सकते हो, जाके काफ़ी ज़बरदस्त है। और एकदम रस्ट प्रूफ कोटिंग की है फोर्ड ने, काफ़ी ज़बरदस्त है ये। और इसमें आपको लाइटिंग भी मिल जाती है आपको बेड पर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए बात करते हैं अभी फोर्ड F-150 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फोर्ड F-150 में आपको मिल जाता है 6 सिलेंडर 3.5 लीटर का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 430 BHP ऑफ पावर और मैसिव 770 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो और मेटेड टू ए 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, तो पावर डिलीवरी एकदम स्पॉट ऑन है। देखिए थोड़ा सा पुश करोगे गाड़ी को, काफ़ी ज़बरदस्त क्रिस्प साउंड मिलती है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। और आपको उसमें मिल जाता है अच्छे ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अलर्ट्स, और यहाँ पर आपको रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिल जाता है, जो कि सेफ्टी बहुत ही अच्छा एनहांस किया है। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांसमेंट किए फोर्ड ने, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी। और इसका गियरबॉक्स बहुत ही अच्छा क्रिस्प लगा मुझे। और इसमें आपको एक ये फोर्ड F-150 एक टर्बो गाड़ी है, तो सॉरी हाइब्रिड गाड़ी है, तो उसमें आपको मिल जाता है एडिशनल बैटरी मिल जाती है गाड़ी में, जो कि एक्स्ट्रा 44 BHP प्रोड्यूस करती है, जो कि फ्यूल इकोनॉमी को आप बहुत ही एनहांस करती है। और इसमें आपको मिल जाता है टैंक रेंज, जो कि 87 लीटर टैंक में आपको टोटल 1130 किलोमीटर्स का टैंक रेंज मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मोर ओवर इसमें आपका गियर शिफ्टिंग वगैरह बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ लगा मुझे, बहुत ही अपॉर्ड पावर डिलीवरी हमेशा आपके जस्ट आप अपना फुट नीचे लगाइए, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, गाड़ी में पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके गाड़ी इतनी पावरफुल है, इसके नंबर ही इसके बताते हैं कि ये अप टू 0 to 100 इन जस्ट 5.6 सेकेंड में करती है, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना क्विक रिस्पॉन्स है गाड़ी में। और आप इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर तक लिख जा सकते हो। और बात करते हैं इसमें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन इसका स्टिफर साइड पे और बहुत ही कंफर्टेबल और स्पोर्टी राइड भी देता है, और ये इसके बम्प्स और पोटोज को अच्छी तरीके से सोक करता है, जो काफ़ी अच्छा एक ऑप्टिमाइज गाड़ी लगी मुझे। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है फोर्ड F-150 के बारे में, तो फोर्ड F-150 बहुत ही ज़बरदस्त केपेबल पिकअप ट्रक है, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पावर और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, इंटीरियर भी बहुत ही ज़बरदस्त लगे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त किया है। अभी इस जो पिकअप ट्रक सेगमेंट में बहुत ही सबसे एडवांस पिकअप लग रही है, अब मैंने रैम और सियारा से कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी इसमें लीड करती है फोर्ड अब। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे कूल फीचर्स मिल जाते हैं कैंप सेटअप के लिए, आपके ऑफ रोडिंग के लिए, आप एडवेंचर्स के लिए, बहुत ही हर चीज़ एक नंबर है गाड़ी में। और इसके प्राइस 189,000 दिरहम से स्टार्ट होकर 285 दिरहम्स तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जो प्लैटिनम है वो मिल जाता है आपको, जो कि प्लैटिनम में बहुत ही अच्छी फीचर आते हैं, और सिंगल कैबिन डबल कैबिन ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो और डिटेल्स के लिए आप आज ही विजिट करें, आप फोर्ड का शोरूम और टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं अपनी। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल, और बेल आइकॉन को भी हिट कर दिए ताकि आप हमारा कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।